हाय गाइस, डीआई कंटेन्स टू पार्ट. डीआई होने के बाद, डीआई अटेम्प्ट करने के बाद, सीटी पेपर के बाहर आने के बाद सब बोलेगा कि डीआई में कैलकुलेशन बहुत था, भर भर के कैलकुलेशन, लेंदी था, ये था, वो था, डिफिकल्ट था. इट वाज नॉट अ डिफिकल्ट पेपर. सीटी का पेपर, जो लोग बोलते हैं कि सीटी में भर भर के कैलकुलेशन है एंड डीआई बहुत डिफिकल्ट है, तो मतलब तुम्हें डीआई समझा ही नहीं. इन सीटी पेपर दे टू टाइप ऑफ डीआई. वन इज अ कैलकुलेशन बेस्ड डीआई, वन इज अ लॉजिक बेस्ड डीआई. दे टू काइंड ऑफ डीआई. कैलकुलेशन बेस्ड मतलब एक पाई चार्ट पक्का दिखता है, एक डबल पाई चार्ट, वो चिंदी चिंदी क्वेश्चन नहीं कि इसके एंगल निकालो, उसके एंगल निकालो, ऐसा क्वेश्चन नहीं आता सीटी में. आई वॉज सीइंग अ फ्यू हैंड आउट समवेयर, एकदम प्यारे प्यारे क्वेश्चन डाले हैं इस साल के लिए. भाई इतना ही लेवल इज कैलकुलेशन, मस्त कैलकुलेशन. मतलब 18% ऑफ 5930 में से 2/3 बॉयज है, तो 2/3 निकालने के बाद कितना क्वालिफाई किया वो निकालो. तो इट विल टेक यू मिनिमम 1 to 1.5 minutes टू सॉल्व दैट क्वेश्चन. ठीक है, सो इट इज ऑब्वियसली कैलकुलेशन इंटेंसिव क्वेश्चन. एंड ऑन द अदर हैंड, इफ आई टॉक अबाउट केसलेट, केसलेट इज कंपेरेटिवली मच मोर लेस ऑन कैलकुलेशन. एक बार वो टेबल ड्रा हो गया, सॉल्व करना बहुत ईजी है. अभी पब्लिक को लगता है कि यार केसलेट ही कैसा क्वेश्चन हो गया, तुमने पहली बार देखा है. तो भाई ये 2001 से आ रहा है सीटी में, 2001, आज 2019, 20 साल से टॉपिक सीटी में आ रहा है एंड फॉर एवरीबडी स्टिल अ न्यू टॉपिक. ठीक है, केसलेट हमको सॉल्व करना है. 10 सेट कर लिया अपने लिए बहुत हो गया. इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स आई गिव यू अ सैंपल ऑफ केसलेट, व्हाट आई मीन बाय केसलेट. देन मूविंग टू द कैलकुलेशन साइड अगेन, वी हैव रेशियो का क्वेश्चन, मेल फीमेल का रेशियो, बॉय गर्ल का रेशियो, इंजीनियर नॉन इंजीनियर का रेशियो. तो द टिपिकल सीईटी क्वेश्चन विल गेट 5 क्वेश्चन ऑन रेशियोज, जिसमें अगेन भर भर के कैलकुलेशन आएगा. ठीक है, ऑन द अदर हैंड वी हैव फिल इन द ब्लैंक्स. जिसने कैट दिया था स्लॉट 1 में भी फिल इन द ब्लैंक्स का क्वेश्चन आया था, पाई चार्ट वाला, अगर याद हो तो. बहुत पहले एक साल में तुमने कैट दिया था, याद आया? ठीक है, तो नहीं आया तो जान दो कैट में आया था. एंड दैट वॉज ऑल्सो द ईजिएस्ट सेट ऑफ द कैट एग्जाम. तो फिल इन द ब्लैंक्स इज कंपेरेटिवली ऑलवेज ईजी. ठीक है, तो अपने पास ये दो इधर हो गया, टाइम कंज्यूमिंग वाला पाई चार्ट एंड रेशियोस, एंड दो इधर आ गया, केसलेट एंड फिल इन द ब्लैंक्स. नाउ फिफ्थ क्वेश्चन आई एम कंफ्यूज कैसा आएगा, बिकॉज आईपीएस यूजुअली गिव अ लॉजिक बेस्ड न्यू टाइप ऑफ क्वेश्चन. ट्रायंगल डाल दिया, या मैंने जो अभी मैराथन में क्वेश्चन दिया था विच इज अ परसेंटेज बेस्ड क्वेश्चन, वो डाल दिया. तो सम काइंड ऑफ अ न्यू टाइप ऑफ क्वेश्चन यू कैन एक्सपेक्ट देयर, विच इज लो ऑन कैलकुलेशन. न्यू कोई देखेगा तो लो ऑन कैलकुलेशन, और यू कैन गेट अ टिपिकल बार चार्ट, लाइन चार्ट, टेबल विच बी हाई ऑन कैलकुलेशन. 3 सेट हाई ऑन कैलकुलेशन, 2 सेट लो ऑन कैलकुलेशन, या उल्टा 2 सेट हाई ऑन कैलकुलेशन, 3 सेट लो ऑन कैलकुलेशन. ठीक है, और जैसा पेपर आएगा देर आर 2 साइड्स, कैलकुलेशन, लो कैलकुलेशन. हर बंदा, इफ़ यू गिवन अ चॉइस बिटवीन फिन द ब्लैंक्स एंड पाई चार्ट, तो क्या करोगे? पाई चार्ट करेंगे, और उसी की लगेगी. ठीक है, जो पाई चार्ट पे हाथ डालेगा उसकी लगेगी, बिकॉज हम मैराथन वर्कशॉप जो मैंने अभी किया था कंडक्ट, उसका ई क्लास में आपका अपलोड कर दिया उसका रिकॉर्डिंग, तो प्लीज़ एक बार उसका वर्कशॉप देखो एक बार. सो मैराथन वर्कशॉप मैंने वही बोला है कि भाई पहले सेट पे जिसने हाथ डाला वो डूबा. एवरी क्वेश्चन अपार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1, एवरी क्वेश्चन वॉज टेकिंग 1.5 to 2 minutes टू सॉल्व, और जिसने टाइम डाला वो गया, क्योंकि अपने पास टाइम ही है 20 मिनट फॉर डीआई. 20 मिनट तुम क्या उखाड़ लोगे? ठीक है, तो आई हैव टू लुक एट द अदर साइड एज वेल. सो 10 क्वेश्चन ऑफ केसलेट एंड फिल द ब्लैंक्स इज मोर देन सफिशिएंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक. एंड फ्रॉम द कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू, कैलकुलेशन है ना यार, जिसको मैथ्स नहीं पसंद तो डीआई तो उसको सॉल्व करो. कैलकुलेशन इज नथिंग बट मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, दो ही मेन कैलकुलेशन, एडिशन सबट्रैक्शन हर आदमी कर लेगा. मल्टीप्लाई डिवाइड में अगर मैं एक्सपर्ट हो गया तो अपना काम खत्म हो गया. सो डी आई का कैलकुलेशन साइड इज प्योरली बॉइलिंग डाउन टू 2 कैलकुलेशन, विच इज योर मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, एंड लॉजिक वाले में मेरे को प्रैक्टिस करना पड़ेगा. नाउ द फिफ्थ वन इज न्यू टाइप ऑफ क्वेश्चन. जो भी न्यू टाइप ऑफ क्वेश्चन आएगा वो आपकी ब्लू बुक में ऑलरेडी है. इफ यू हैव द सी टी किंग का ब्लू बुक्स, यू हैव कंप्लीट सेट, कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट एवरीथिंग एल्स इन योर बुक्स. ठीक है, क्योंकि जो भी अभी नया चीज़ सी टी में आएगा वो ऑलरेडी पहले आ चुका है. आई पी एस में जो भी अभी नया चीज़ वो इंट्रोड्यूस कर रहे हैं इन डी आई, वो ऑलरेडी आ चुका है. एंड दिस पैटर्न ऑलरेडी चेंज. डी आई मतलब नॉट कैलकुलेशन, ओनली कैलकुलेशन वाला थिंग्स आर आउट. नाउ देयर इज अ मिक्स ऑफ लॉजिक एंड कैलकुलेशन. दिस इज व्हाट आई एम सेइंग सिंस आई बी पी एस केम ऑन बोर्ड. ठीक है, तो ब्लू बुक का हर डी आई का एक क्वेश्चन करके जाओ, एक क्वेश्चन ओनली, 1 question per set, सो दैट यू अंडरस्टैंड हाउ टू रीड दैट न्यू टाइप ऑफ ग्राफ. ट्रैंगुलर चार्ट जो सी टी में नहीं आया वो आपके बुक में है. जो भी न्यू टाइप ऑफ चार्ट आएगा वो आपके बुक में है. ठीक है, वो एक बार करके गए तो विल बी मोर कम्फर्टेबल. ठीक है, तो वो करना आपका काम है. तो द डिस्क्रिप्शन बॉक्स आई एम एडिड यू अ 2 days plan. सो day 1 लेट्स वर्क ऑन द कैलकुलेशन बेस्ड डीआई. 5 में से 2-2 तो क्वेश्चन कर, छोड़ना क्यों पूरा? कैलकुलेशन है माना, लेकिन 2-3 questions आराम से वी कैन डू. सो कैलकुलेशन बेस्ड डीआई इज day 1, विच इज द पाई चार्ट एंड योर रेशियो वाला चार्ट्स.
And day two mein, we have to look at the caselet and fill the blanks. Caselet, I feel, is like a puzzle. डर लगता है देखने में कि करेगा हो पाएगा नहीं हो पाएगा, नहीं तो साइकोलॉजिकल बैरियर. पाई चार्ट देखने में अच्छा लगता है, अरे ये तो बहुत सिंपल है, मैं निकाल लूँगा, बट टाइम वेस्ट करके जाएगा वो. ठीक है, केसलेट का नॉर्मल टेबल इज डॉन इन 3 मिनट्स, 3 to 4 मिनट्स, एंड क्वेश्चन सॉल्व करना इज अनदर 20-30 seconds पर क्वेश्चन. तो 5 मिनट 6 मिनट के अंदर आराम से आई कैन कम्प्लीट द केसलेट. नाउ बिकॉज अभी रैंक चाहिए, तो पाई चार्ट पे खराब नहीं हाथ डालेगा, जो केसलेट फिर द ब्लैंक्स पे हाथ डालेगा उसको रैंक अच्छा मिलेगा. ठीक है, so your target score in the logic section is in sorry di section is 15 plus out of 25. tumhe topper nahi banna, tumhe average chahiye, you just need above average students. Theek hai, so that's your target. All right, all the best.